प्रिय विद्यार्थियों वेलकम। आज का टॉपिक है हमारा समास। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है समास। तो सबसे पहले हम समास का अर्थ देखते हैं। समास का अर्थ, तो विद्यार्थियों समास का अर्थ जो होता है वह है संक्षिप्त या छोटा करना। संक्षिप्त या छोटा करना। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जो बड़े शब्द हैं उनको छोटा करना ही समास होता है। इसकी परिभाषा की हम बात करें, परिभाषा बिल्कुल सीधी और सरल परिभाषा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। बिल्कुल ये जिसी परिभाषा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हमें समास कहते हैं। और इस मेल में, मेल का मतलब दो या दो से अधिक जो शब्द हैं, इस मेल में विभक्ति चिन्हों और प्रत्ययों का लोप हो जाता है। इस मेल में विभक्ति चिन्हों और प्रत्ययों का लोप हो जाता है। लोप हो जाने का मतलब है कि ये लुप्त हो जाते हैं। तो समास का अर्थ देखा, संक्षिप्त या छोटा करना। परिभाषा देखी कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को ही हम समास कहते हैं। और इस मेल में विभक्ति चिन्हों और प्रत्ययों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब देखते हैं समास जो शब्द है, समास जो शब्द है किन शब्दों से मिलकर के बना है। जैसे समधन आस, और समधन आस जो है इसका मतलब होता है पास बैठाना, पास बैठाना। समास शब्द समधन आस से बना है और इसका अर्थ होता है पास बैठाना। तो इसमें हमने देखा कि समास का अर्थ देख लिया, समास की परिभाषा देख ली और समास के टुकड़े करके अर्थ देख लिया। तो समास द्वारा हम अपने जो भी विचार हैं, एक तो उसको हम अपने जो भी विचार हैं उनको संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं, कम से कम शब्दों में दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रभावी तरीके से रख सकते हैं। अतः देखा जाए तो भाषा में समास का बड़ा ही महत्व होता है। जैसे एक एग्जाम्पल दें, दिन और रात। जैसे नंबर वन है दिन और रात। तो विद्यार्थियों इसमें हम देखेंगे दिन और रात में जो शब्द हैं वो तीन हैं। तीन शब्द कौन कौन से, दिन एक हो गया और दो हो गया और रात तीन हो गया। तो दिन और रात जो शब्द हैं वो क्या हैं, तीन हो गए। इसमें हमने देखा दिन और रात जो है तीन शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है और इसका जो संक्षेप रूप होगा वो क्या होगा, दिन रात। संक्षेप रूप दिन रात होगा और संक्षेप रूप करना ही क्या होगा, समास होगा। तो इसमें ये जो विभक्ति चिन्ह है, इसमें जो विभक्ति चिन्ह है उसका क्या हो गया, इसमें दिन और रात में विभक्ति चिन्हों का लोप हो गया।
तो ये जो लोभ करना या लोभ होने के बाद में इसको हम समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। समस्त पद या सामासिक शब्द के नाम से भी हम जानते हैं। कहने का मतलब है कि दिन और रात जो है इसका हमने क्या हटा दिया, विभक्ति जो चिन्ह है उसको हटा देने पे ये दिन रात बन गया। अब दिन रात बनने के बाद में इस पद को हम समस्त पद या सामासिक शब्द के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें कि समास के भेद। विद्यार्थियों आगे हम देखते हैं समास के कितने भेद होते हैं। समास के हम भेद देखते हैं। समास के भेद, तो विद्यार्थियों समास के छह भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? छह भेद होते हैं। नंबर वन है अव्ययी भाव। नंबर वन है अव्ययी भाव समास। नंबर टू है तत्पुरुष समास। नंबर थ्री है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। नंबर चार पे आता है द्विगु समास। द्विगु समास। नंबर पांच है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और नंबर छह और अंतिम है बहुव्रीही समास। बहुव्रीही समास। तो विद्यार्थियों समास जो है उसके छह भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और छठवां नंबर का है बहुव्रीही समास। तो नंबर वन की बात करते हैं अव्ययी भाव समास। नंबर वन पे है अव्ययी भाव समास। बिल्कुल सीधा और इजी सा पॉइंट है समास वाला। तो नंबर वन है अव्ययी भाव समास। तो विद्यार्थियों ये जो अव्ययी भाव समास है इसकी परिभाषा देखते हैं सबसे पहले कि जिस समास में पहला शब्द अव्यय हो तथा दूसरा संज्ञा हो। जिस समास में पहला पद, इसमें हमने देखा जिस समास में पहला पद या शब्द, पहला शब्द क्या हो, अव्यय हो तथा जिस समास में पहला शब्द अव्यय हो तथा दूसरा शब्द संज्ञा हो। जिस समास में पहला शब्द अव्यय हो तथा दूसरा शब्द संज्ञा हो उसे क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। समास कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसमें यानी कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, यह भी बता देते हैं, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल
आदि के माध्यम से, आदि के माध्यम से कोई परिवर्तन न हो उसे हम क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे, उसे अव्यय कहा जाता है। इसमें हमने देखा सबसे पहले अव्यय भाई अव्ययी भाव समास की परिभाषा देखी कि जिस समास में पहला शब्द क्या हो, अव्यय हो तथा दूसरा शब्द संज्ञा हो, अव्ययी भाव समास उसे हम कहेंगे। अब कभी कभी वैसे हमने पढ़ लिया था लेकिन कुछ विद्यार्थियों को अगर पता नहीं है कि अव्ययी क्या होते हैं तो इसकी परिभाषा भी हमने लिख दी कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल आदि के माध्यम से या आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहा जाता है। इसमें आगे हम देखते हैं कि इसमें जो पहला पद होता है वह प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है और पहला पद प्रधान होता है और पहला पद कौन सा होता है? अव्ययवाड़ा पद। तो इसमें पहला पद जो है, पहला पद है अव्ययवाड़ा और दूसरा पद क्या हो गया? संज्ञावाड़ा। तो पहला पद इसमें क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे जैसे हम बात करें यथाशक्ति, यथा शक्ति प्रतिदिन आदि, तो यथाशक्ति और प्रतिदिन जो है वो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। तो विद्यार्थियों इसके और एग्जाम्पल हम देखते हैं, कौन से के अव्ययी भाव जो समास है उसके और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे बात करें यथाशक्ति, इसका अर्थ होता है, पहला देख लेते हैं यथाशक्ति, यथाशक्ति। अब यथाशक्ति जो है यह अव्यय भाव समास है और इसका अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। दूसरा देखेंगे अपन प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष तो इसका होता है आंख के सामने। तीसरे नंबर पे अपन बात करें आज्ञानुसार, आज्ञानुसार तो इसका होता है आज्ञा के अनुसार, आज्ञानुसार इसका अर्थ होता है आज्ञा के अनुसार। यथा शीघ्र इसका होता है जितना शीघ्र हो, यथा शीघ्र इसका अर्थ होता है जितना शीघ्र हो, यानी कि जितनी जल्दी हो। यथा शीघ्र का हमने देखा जितना शीघ्र हो। आमरण, आमरण का मतलब होता है मृत्यु तक, आमरण इसका अर्थ होता है मृत्यु तक। आगे हम देखेंगे आजन्म, 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 आजन्म का मतलब होता है जन्म से। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने अव्ययी भाव जो समास है उसके एग्जाम्पल हमने देखे। आगे हम जो दूसरा समास है जिसका नाम है तत्पुरुष समास उसके बारे में देखते हैं। नंबर दूसरा है तत्पुरुष समास। नंबर दो पे क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास अव्ययी भाव समास जो था उसमें तो हमने पहला पद जो था प्रधान था, उसका पहला पद अव्यय था और दूसरा पद संज्ञा था। और तत्पुरुष समास इसका विपरीत है। इसमें क्या है कि जिस समास में पहला पद संज्ञा और दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास में
जिस समास में पहला पद संज्ञा व दूसरा पद प्रधान हो, मुख्य हो, पहला शब्द या पहला पद। तो जिस समास में पहला पद संज्ञा व दूसरा पद प्रधान हो, या पहला शब्द, जिस समास में पहला शब्द संज्ञा व दूसरा शब्द प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें हमने देखा, इसकी परिभाषा हमने देखी कि जिस समास में पहला पद जो है संज्ञा और दूसरा पद क्या है प्रधान हो, से हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कर्ता व संबोधन जो कारक है उसको छोड़ करके, इसमें क्या दो कारक हैं, इसमें एक तो है कर्ता और दूसरा है संबोधन। हम सबको पता है कि कारक जो होते हैं वो आठ होते हैं, तो इसमें कर्ता और संबोधन जो कारक है उसको छोड़कर बाकी के कारकों के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। दूसरा संबोधन को छोड़कर बाकी के कारकों का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह लोप हो जाता है। इस प्रकार ये जो छह कारक हैं, इन छह कारकों के आधार पर ये जो तत्पुरुष समास है उसके भी छह भेद होते हैं। तो जैसे नंबर वन है कर्म तत्पुरुष समास, नंबर वन की बात करते हैं कर्म तत्पुरुष समास। नंबर वन है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। अब ये जो कर्म तत्पुरुष समास है, इसमें हम जो कारक है कर्म उसकी भी, उसका विभक्ति चिन्ह होता है को। तो इसमें हम देखेंगे जो को है, ये जो को है तत्पुरुष समास में जो को है उसका विभक्ति का लोप हो जाएगा। क्या है कि को जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, इसमें जैसे समस्त पद और इधर हम दूसरे में लिखें समास विग्रह, समास विग्रह है। तो नंबर वन है समस्त पद में देखें कि जेब कतरा, जेब कतरा, तो इसका हो जाएगा जेब को कातने वाला, जेब को काटने वाला। तो इसमें हमने पहला देखा जेब कतरा, तो इसका होगा जेब को कतरने वाला या काटने वाला, कतरा यानी कतरने वाला ही आएगा, काटने वाला नहीं, जेब को कतरने वाला। तो जेब कतरा का हमने देखा जेब को कतरने वाला। दूसरा है सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। तो इसमें को क्या आ रहा है, विभक्ति चिन्ह किसका, कर्म कारक का। तो इसमें हमने देखा सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। आगे हम बात करते हैं कि स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त,
स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग को प्राप्त। आगे हम बात करते हैं कि मनोहर, मन को हरने वाला, मनोहर मन को हरने वाला। अगला है परलोक गमन, परलोक गमन, परलोक गमन, परलोक गमन का हो जाएगा परलोक को गमन। अगला हम देखेंगे जनप्रिय, तो जनप्रिय का होगा जनप्रिय, जन को प्रिय। तो विद्यार्थियों ये जो है ये कर्म तत्पुरुष समास है, तो इसमें कर्म जो कारक है, जैसे कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह जो है वो को होता है, तो इसमें को से संबंधित जेब को, सिर को, स्वर्ग को, मन को, परलोक को और जन को, इस प्रकार से ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं, यानी कि ये तो समस्त पद है, ये इसका समास विग्रह करने पर इस तरीके का ये वाक्य बनता है। तो ये है समास विग्रह, कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास। अब हम आगे बात करते हैं दूसरे नंबर का कि कर्म के बाद में आता है कर्ण तत्पुरुष समास। कर्म के बाद में कर्ण, कर्ण तत्पुरुष समास। दूसरे नंबर पे आता है कर्ण करण तत्पुरुष समास। अब ये जो करण तत्पुरुष समास है इसमें से या के द्वारा, से या के द्वारा जो विभक्ति चिन्ह है, से के द्वारा विभक्ति चिन्हों का लोप होगा। इसमें करण तत्पुरुष समास में से या के द्वारा विभक्ति चिन्हों का लोप होगा, जैसे अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित किसका हो जाएगा? अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। दूसरा हम बात करेंगे प्रेमातुर, प्रेमातुर, प्रेमातुर किसका होगा? प्रेम से आतुर, प्रेम से आतुर, से आ रहा है इसमें। तीसरा हम देख रहे हैं रस भरा, रस भरा, तो इसका होगा रस से भरा। आगे हम देखेंगे कि हस्तलिखित, हस्तलिखित, हस्त, हस्तलिखित में आएगा हाथ के द्वारा या हस्त द्वारा लिखित, लिखित के द्वारा आ गया, द्वारा आ गया। तो विद्यार्थियों ये था करण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का दूसरा था करण तत्पुरुष समास। तो विद्यार्थियों आज के लिए हम जो समास है उसका दूसरा जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में भी हमने करण तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा। आगे इसी तत्पुरुष समास का जो तीसरा पॉइंट है उसके साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।